हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज 48। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हों, आंगनबाड़ी बहनों की हर न्यूज़ हम आपको सबसे पहले देते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्ले स्कूल की तर्ज पर अब आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ेंगे बच्चे। जी हाँ, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को अब प्ले स्कूल की तर्ज पर पढ़ाया जाएगा। जिले के 6 प्रखंडों में 19 आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जा रहा है मॉडल केंद्र। 32 लाख रुपए की राशि हुई रिलीज। बिहार राज्य से यह बड़ी खबर आ रही है। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों को अब प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और देश के सभी राज्यों में सरकार के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और इसके साथ साथ जो है हिमाचल प्रदेश में भी यह कार्य शुरू हो चुका है और आने वाले 1 या 2 साल में देश भर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तर्ज पर, प्री प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मनोरंजन के साथ बच्चे पढ़ेंगे बुनियादी शिक्षा का पाठ। भवन की दीवारों पर बने चित्र व अंकों को देखकर बच्चे मुकेश कुमार लखीसराय, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे अब प्ले स्कूल की तर्ज पर खेल के माध्यम से पढ़ सकेंगे। बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण कराने की इस नई पहल के तहत लखीसराय जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रथम चरण में 19 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। जी हाँ, बिहार के लखीसराय जिले में 19 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल के तौर पर विकसित किया गया है। मॉडल केंद्रों में ज्ञानवर्धक एवं आकर्षक वॉल पेंटिंग कराया जा रहा है। इसे देखकर खेल के माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे। जिले के 6 प्रखंडों में मॉडल केंद्र निर्माण के लिए 32 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई है। हर मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रतिदिन घंटी बजेगी और 6 सत्र में क्लास लगेगी, यानी टोटल यहाँ पे 6 पीरियड्स में क्लास है वो लगाई जाएगी। बच्चों को आसान फॉर्मूला जो है वो याद करने के लिए यहाँ पे बुनियादी शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। हर दिन 6 पीरियड्स की क्लास लगेगी। मिलेगा नाश्ता व भोजन। प्रत्येक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण पर 2 लाख रुपए खर्च होंगे। केंद्र पर बच्चों को समय सारणी और मेन्यू के अनुसार भोजन व नाश्ता भी दिया जाएगा। साथ ही बच्चों को शिक्षा के प्रति अलग जगाकर उन्हें ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल कराई जाएगी। मॉडल केंद्र सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। 6 पीरियड में प्रार्थना, व्यायाम, खेल, रचनात्मक बौद्धिक विकास एवं स्वतंत्र खेल आदि गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को प्ले स्कूल की तर्ज पर प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। मॉडल केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा के अलावा पूरक पोषाहार, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण आदि गतिविधियां भी संचालित होंगी। तो बिहार के लखीसराय जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल स्कूल के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है और पूरे बिहार राज्य में ये होगा। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी बहनों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्री प्राइमरी में और प्ले स्कूल की तर्ज पर बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाना है, इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ट्रेनिंग जो है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो सरकार की ये बड़ी खबर है, आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा। इसके साथ साथ बहनों का वेतन भी बढ़ाया जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब आंगनबाड़ी बहनें इतनी बड़ी जिम्मेवारी निभाएंगी तो उनका वेतन भी बढ़ाया जाना जरूरी है। और इसको लेकर समृति रानी से भी सवाल पूछा गया है और सरकार जो है वो आंगनबाड़ी बहनों की पेंशन पर भी विचार कर रही है। तो ये थी आज की आंगनबाड़ी की खास अपडेट। कोई भी न्यूज होगी वो हम आपको सबसे पहले देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।